जब किसी खिलाड़ी का सर मेडल पहनने के लिए झुकता है तो सारे हिंदुस्तान का सर ऊंचा उठ जाता है। जब किसी खिलाड़ी की धड़कनें बढ़ती हैं तो सारे हिंदुस्तान का दिल थम जाता है। जब कोई खिलाड़ी जीत के करीब होता है तो सारे देश के हाथ एक साथ दुआओं में उठ जाते हैं। एक खिलाड़ी सारे हिंदुस्तान को एक कर देता है। कुछ ऐसे ही खिलाड़ी जो मेरी और मेरे देश की उम्मीद है, उन्हें जानने का मौका है उम्मीद इंडिया। ऐसा कोई काम नहीं जो बेटियां ना कर पाई हैं। बेटियां तो आसमान से तारे तोड़ के लाई हैं। हरियाणा की एक ऐसी बेटी, बडिंग रेसलर्स की रोल मॉडल, लड़कियों की इंस्पिरेशन और हम सब हिंदुस्तानियों के चेहरे की खुशी, साक्षी मलिक। साक्षी एक बात बताओ, मैं भी हरियाणा का हूँ, आप भी हरियाणा के, लेकिन ये हरियाणा वाले अपने बच्चों को और बच्चियों को कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं कि यहाँ से इतने रेसलर निकल रहे हैं? चक्की का आटा की मतलब ये कि हरियाणा के तो मतलब ये बोलते हैं कि पानी में भी बहुत ताकत है। जैसे गांव में कुएं होते थे, कितना फ्रेश पानी है, घर का दूध घी। और हमारे जो दादा हैं, जो पूर्वज है, वो कभी से रेसलिंग करते आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं खून में ही है। अच्छा, हरियाणा में आपके टाइम जब आप बड़े हो रहे होगे और आज के टाइम में ऐसा क्या बदलाव आया? मैंने बहुत बदलाव नोट किया है। जैसे जब मैंने रेसलिंग शुरू की थी तो एक मैट होता था और उस पे सिर्फ हम 3 से 4 लड़कियां होती थी। लड़कों के साथ भी ट्रेनिंग करनी पड़ती थी क्योंकि पार्टनर्स कम होते थे। और फिर धीरे धीरे जैसे रेसलिंग बढ़ने लगे इंडिया में, तो और ज़्यादा लड़कियाँ और लड़के रेसलिंग में आने लगे। जैसा कि अभी उसी सेंटर पे कम से कम भी 30 लड़कियां हैं, जहां सिर्फ 3 से 4 लड़कियां होती थी। और फिर धीरे धीरे एक एक स्टेट से लड़कियां आने शुरू हुई। दंगल में गीता बबीता आई, तो रेसलिंग की शुरुआत वहीं से हुई है। रेसलिंग आपके लिए क्या मायने रखते हैं, मतलब कहां पर आप रेसलिंग को रखते हैं? हमारे यहाँ दिवाली होती है तो पूजा करते हैं सब। तो सबसे पहले जब मैंने समझ हुई मुझे रेसलिंग कितना प्यार हुआ, तो मैं अपने कमरे से अपने रेसलिंग शूज और कॉस्ट्यूम लेके आके और सब मम्मी रेडी कर रही थी, वो प्लेट पूजा की और वो जो गहने वहने रखते हैं, मैंने वो चीज लाके वहां रख दी। तो मेरा भाई देख रहा है क्या कर रही है भगवान। तो मैं बोली चुप हो जा तू। और फिर मैंने मम्मी से वो हल्दी का जो सबके टीका लगाते हैं, वो मैंने अपनी सारी चीजों पे लगवाया। और वो परंपरा आज तक चलती आ रही है कि मैं अपनी वो जो किट है वो वहाँ रखती हूँ और मम्मी पे टीका करती है, मेरे शूज पे, मेरी किट पे। तो रेसलिंग से ऊपर मुझे कुछ नहीं लगाया, मतलब रेसलिंग ही सबसे ऊपर। एक किस्सा मुझे भी याद आता है, सचिन तेंदुलकर, हम उन्हें भगवान कहते हैं क्रिकेट के, लेकिन भगवान भी भगवान की पूजा करते हैं, अपने सम्मान को भगवान के चरणों में रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद उससे भगवान ब्लेसिंग देंगे उनके सम्मान को, उस सम्मान को लेकर वो जाएंगे और फिर वो शतक बनाएंगे। शायद इसलिए भी सचिन तेंदुलकर इतने बड़े बने कि उन्होंने 100 शतक लगाए इंटरनेशनल क्रिकेट में। और ऐसा ही कुछ कारनामा साक्षी मलिक कर रही है, अपने जूतों को, अपनी ड्रेस को भगवान के आगे रखकर पूजा करती है ताकि वही ड्रेस और जूते पहनकर वो भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आए।
से तो रेसलिंग में वो कौन सी ऐसी चीज है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? मुझे तो कुछ भी नहीं पता था रेसलिंग के बारे में, क्या रेसलिंग किट है, क्या रेसलिंग मैट है, कुछ भी नहीं पता था। बस ये था कि हाँ कुश्ती करनी है। और मैंने एक दो दिन जाना शुरू किया तो आप मजाक बनाते भी, मैं किसी को बताती हूँ, जैसे हॉल का कमरा तो मतलब जो दरवाजा है वो तो छोटा होता है लेकिन उसके अंदर हमारा आपने मैट भी देखा होगा, तो मैं सोचती थी ये या तो पहले मैट रखा होगा फिर उसके ऊपर होल रखा होगा या फिर कैसे ही इतना बड़ा जो मैट है वो अंदर आया होगा। तो वो चीज बहुत इंटरेस्टिंग थी और मुझे जानने का इतना वो था कि कैसे आया, और मैं किसी से पूछ भी नहीं रही थी क्योंकि शुरू में इतना सबसे इंटरेक्शन नहीं होती है। तो कई दिन के बाद जब वो बारिश आई उसे उठाया तो तब मुझे पता चला कि उसके नीचे छोटे छोटे पीसेस होते हैं गद्दों के, तो तब मुझे पता चला। और रेसलिंग कॉस्ट्यूम है और उसका जो स्टांस है, मतलब वो बहुत मुझे मतलब अच्छा लगना शुरू हो गया। कोई एक चीज तो ऐसी होगी जिसने प्रभावित किया होगा? दादाजी रेसलिंग करते थे और सब दादाजी को पहलवान साहब भी कहते थे गांव में, जैसे मैं सुनती थी। तो मुझे भी जब से यही हो गया कि फिर मुझे सुनने में तो आ गया कि लोग ये कहेंगे पहलवान साहिबा नहीं पहलवान साहिबा तो नहीं, पर सुनती थी मैं दादा से, दादा करते थे। और फिर सडनली एक दिन न्यूज़पेपर में फोटो आया, एक हमारे सीनियर दीदी हैं तो उन्होंने रेसलिंग कॉस्ट्यूम और वो गदा मिलती है हमारे रेसलिंग में, तो वो मुझे बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो मैं पापा को न्यूज़पेपर पे हाथ रख के बोली मुझे तो ये गेम करना है, तो फिर पास में ही स्टेडियम था मुझे वहाँ लेके गए, तो मेरी शुरुआत वहीं से हुई। बचपन में सबसे ज्यादा इंस्पायर आपको किसने किया? एक्चुअली जब मैंने रेसलिंग शुरू की तो मुझे जैसे मेरे सीनियर्स ने बताया कि जो इंडिया में फर्स्ट आएगा वो प्लेन में बैठ के दूसरे देश में खेलने जाएगा, तो वो चीज़ मुझे बहुत मतलब बहुत इंस्पायर किया कि अब तो मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मैं इंडिया में फर्स्ट आऊँगी और प्लेन में बैठ के जाऊँगी, फिर कंपटीशंस की समझ होगी कि क्या एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स। तो जब के बाद से तो मतलब रेसलिंग सब कुछ, जब के बाद से प्लेन से उतरी नहीं है मैं तो दिल्ली में पला बड़ा हूँ, मेरा खुद सपना था कि मैं जहाज में कब बैठूंगा। मैं पहली बार जहाज में जब बैठा जब अंडर 19 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ 1998 में, तब पहली बार मुझे मौका मिला हवाई जहाज में बैठने, और जैसे इन्होंने कहा उसके बाद से मैं भी जहाज से उतरा नहीं। और सर यहाँ आप जैसे कि लखनऊ में आपने देखा होगा बहुत नजदीक से प्लेन उतरते हैं, तो सुबह हमारी ग्राउंड में ट्रेनिंग होती है तो कई प्लेन तो बहुत नजदीक से लैंड करते हैं और फिर टेक ऑफ भी, तो ओलंपिक से पहले भी होता था मतलब ट्रेनिंग कर रही हूँ और एक अलग से एनर्जी आती थी मुझे कि तू प्लेन में बैठ के आ रही हो, तेरे हाथ में ओलंपिक मेडल है। और आज वो टाइम भी चला गया कि मैं प्लेन में बैठ के आई और मेरे पास में ओलंपिक मेडल था। और ये ओलंपिक में सारा जो फोकस था वो विनेश फोगाट पे था, तो जब वो इंजर हो गई और वो वापस चली गई, वो खेल नहीं पाई, तो उसके बाद आपके ऊपर कितना प्रेशर आया, कितना दबाव आया कि अब सारी उम्मीदें आपसे रहेगी थी? एक्चुअली सर जब से मैंने रेसलिंग शुरू किया तो सबसे वो मेरी फ्रेंड है और हमारी उम्र में भी हमारे साथ एक ही रूम में थे हम, और हमारा वेट भी सेम डे था और हमारी फाइट भी सेम डे थी, तो हमने साथ साथ वेट घटाया, दोनों टाइम ट्रेनिंग पार्टनर्स बनते थे और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी हमने साथ खेले हैं। तो मुझे खुद ये था कि विनेश के अगर 100 में से 90% चांसेस हैं तो मेरे भी कुछ परसेंट चांसेस हैं कि मैं मेडल ला सकती हूँ, ये नहीं है कि मैं नहीं दे सकती, बस मुझे अपना बेस्ट करना था। और विनेश के चांसेस इसलिए थे क्योंकि उसका एशियन गेम्स में उससे पहले उसने अच्छा परफॉर्म किया था, फिर जैसे कि उसकी मैं एक बाउट जीत गई, वो भी एक बाउट जीत गई, हम बहुत खुश थे कि हम तो दोनों अब की बार साथ मेडल लेके जाएंगे, लेकिन दूसरी बाउट में उसको इंजरी हो गई और सर कुलदीप कोच एंटर कर रहे और उनकी आंखों में से आंसू और मैं वार्म अप हो रही हूँ अगली बाउट के लिए, तो आप ये सोचो कि एक एथलीट पे कितना बड़ा प्रेशर होगा कि कोच की आंखों से आंसू आ रहे हैं और वो अंदर एंट्री कर रहे हैं कि अभी बेटी तेरे को ही कुछ करना है, विनेश तो मेडिकल में चली गई, अभी तुझे ही करना है जो भी करना है। तो बस मुझे ये था कि अब तो कुछ भी हो जाए मुझे अपना 100% देना है, और क्योंकि सर हमारी रेसलिंग जो है वो लास्ट में होती है, इंडिया का एक भी मेडल तब तक नहीं आया था, बहुत सारे जो होप्स थे वो बाहर हो गए थे मेडल से, तो बस प्रेशर भी था कि ये था कि काश आज शुरुआत हो जाए, मुझसे हो जाए, विनेश से हो जाए, रेसलिंग से शुरुआत हो जाए। रेसलिंग पे उम्मीद भी ज़्यादा थी, लड़कों पर भी बहुत उम्मीद थी, तो बस मुझे अपना 100% देना था और मैंने अपना 100% दिया।
रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल के बाद आप सबको एक तस्वीर जरूर याद होगी, एक शख्स ने अपने कंधों पर साक्षी मलिक को उठाया। वो शख्स कौन है? उनके कोच कुलदीप मलिक जी। उन्होंने ना सिर्फ साक्षी को कंधे पर उठाया बल्कि साक्षी के रोहतक से रियो तक के सफर की जिम्मेवारी भी अपने कंधों पर उठा ली। साक्षी से आपकी पहली मुलाकात कब और कहां हुई? साक्षी 2011 के अंदर पहली बार कैंप में आई थी। जब ये जूनियर थी पटियाला नेशनल कैंप करते थे पहले पटियाला में, वहां पे ये लड़की आई थी। उस टाइम पे मैंने इस लड़की को देखा कि ये तो अच्छी टैलेंटेड लड़की लग रही है। तो वहां पे इसका लड़न तो इसकी प्रैक्टिस देखी तो बहुत अच्छी लड़की। तो साक्षी की जो ट्रेनिंग कराते थे आप, उस समय कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा जो आपको याद हो? एक बार हम ग्राउंड में हैंडबॉल खेल रहे थे तो साक्षी ने दूसरी अपोनेंट जो रेसलर टीम थी हैंडबॉल में, उस लड़की को इतनी स्पीड से हिट किया, वो लड़की आम के फेड़ के साथ में जाके गिरी। मैंने जब उसे वही बात पकड़ी, माँ साक्षी अगर तू कुश्ती के अंदर पैर में इस तरीके से अटैक अपोनेंट पे मार देगी वो तो हो सकता जान से ही मर जाए। तो उसके बाद बोला जी कैसे, फिर मैंने उसको पैर में अटैक करने का तरीका बताया, मैं इस तरीके से आप अटैक करूँ। आज ये दिन है कि बहुत अच्छे अटैक करते रहे। भगवान ने प्राकृतिक तौर से ऐसी बॉडी दी है उसको, नेचुरल पावर है उसकी। उसकी कमजोरी ये थी स्टार्टिंग उस बच्चे की कि वो साइकोलॉजिकल इतनी मजबूत थी। रियो ओलंपिक में जब मेडल आया तो हम सब लोगों ने सेलिब्रेशन देखा, हमने भी सेलिब्रेशन खूब किया यहाँ पर, लेकिन जो लास्ट राउंड था उसमें जब खत्म हुआ उसके बाद आप लोगों की क्या फीलिंग थी? मुझे जिंदगी में कभी इतनी खुशी नहीं मिली। मुझे ये लग रहा था कि भाई साक्षी ने मेडल नहीं जीता, मुझे पता नहीं क्यों नहीं लग रहा था। मुझे ये लग गया आज मेरा देश जीत गया, आज मेरे देश की जीत होगी। साक्षी की जीत की मैं अपने देश की ज्यादा खुशी मना रहा था। देखिए ऐसा उनके कोच साक्षी के कोच ही नहीं, शायद हम सब हिंदुस्तानियों को ऐसा लगा कि वो साक्षी ने मेडल नहीं जीता है, हिंदुस्तान ने मेडल जीता है। रियो 2016 के ओलंपिक के बाद जो आपको अनुभव मिला है, उस अनुभव से आप साक्षी की परफॉर्मेंस में और क्या बदलाव चाहते हैं कि वो अगली बार भी इस ब्रॉन्ज मेडल को गोल्ड में बदले? जो बदलाव साक्षी में आया है मैंने बहुत कम देखा है। प्रैक्टिस के दौरान भी, यहाँ अनुशासन में भी, पहले की बजाय और भी अनुशासन में आई है। इतने मजबूत हम भी नहीं थे जितने मजबूत ये रियो ने बनाया। आपके और साक्षी के फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, क्या एम है? सबसे पहले साक्षी को बोलता हूँ मेडल आ गया बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, आप ऐसे ही अच्छे इंसान हैं। और 2020 जो ओलंपिक आने वाला है उस पर आप टारगेट रखो, उसके ऊपर ध्यान दो, जहां भी जी आपको डाउट लगे आप भी आपकी तरफ ध्यान दें। Ah!
12 साल की थी मैंने रेसलिंग शुरू की थी, और जब के बाद से लेके अभी तक मुझे नहीं पता कि वीकेंड क्या होता है और मूवीज हम नहीं जाते हैं। अपने दोनों टाइम ट्रेनिंग के लिए पूरा दिन रेस्ट चाहिए होता है, अगर हम दिन में कहीं थोड़ा बहुत भी हैंग आउट करते हैं तो शाम की ट्रेनिंग हम नहीं कर पाते हैं। बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, एक लेवल पे फोकस होना चाहिए कि बस रेसलिंग और उसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। आपका ट्रेनिंग रेजिम किस तरह का रहता है? पूरा वीक का हमारा अलग अलग शेड्यूल होता है, जैसे मंडे अलग होता है, ट्यूसडे दोनों टाइम हमारा मैट सेशन होता है, वेनेसडे फिर हमारा पावर सेशन होता है, क्योंकि एक रेसलिंग ऐसा स्पोर्ट है कि उसमें मतलब सभी चीज़ों की जरूरत है, स्पीड भी, पावर भी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मैट पे वर्क, वो टेक्निक टैक्टिस कि अपोनेंट के दिमाग के साथ खेल रहा है कि उसे लग रहा है कि हम जाएंगे इस साइड और हमारा अटैक दूसरी साइड हो रहा है। मेरा जो फेवरेट अटैक है वो लेग अटैक है, ओलंपिक में मेडल का कारण भी मेरा यही फेवरेट अटैक है। तो आप किस तरह की डाइट फॉलो करती है? एक्चुअली हमारी डाइट मतलब पूरा साल चेंज होती रहती है, जैसे कंपटीशन के नज़दीक है बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं हम, बिल्कुल बिना फैट, घी नहीं, मीठा नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें वेट कम करके लड़ना पड़ता है। जैसे अभी मेरा वेट 63-64 है और मैं 58 kg कैटेगरी में मैं फाइट करती हूँ, तो मुझे 5-6 kg घटा के लड़ना पड़ता है, और ये एक वीक के अंदर अंदर हम कम करते हैं कि इंस्टेंट कम करें और इंस्टेंट हमें एनर्जी मिल जाए। अगर हम लॉन्ग प्रोसेस से कम करेंगे तो वो लॉन्ग प्रोसेस ही रिकवरी लेगा। सोना सूट पहनते हैं आपने देखा होगा, उसको पहन के 2.5-2.5 kg एक दिन में हम रिड्यूस करते हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है ट्रेनिंग, तो चाहे हमें दिन में 3-4 कराओ 2-2 घंटे, लेकिन सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है वेट कम करना। ओलंपिक में लास्ट 2 दिन तो ऐसे थे कि मैं पानी की सिप सिप ले रही हूँ और मेरा 1 kg ज्यादा है। ये था अगर 58 से 100 ग्राम या 50 ग्राम भी ऊपर होगा तो हम कंपटीशन से बाहर है, वो दूसरा चांस भी नहीं देते वेट मशीन पे चढ़ने का। अच्छा, आपका सबसे बड़ा या सबसे बिगेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है इस समय, जो कि आपको लगता हो कि हराना उसको एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए? जब मैंने रेसलिंग शुरू की थी तो नाम सुनते थे, एक सरोई योशिदा है, एक इच्चो कोरी है, जो ओलंपिक में 3 लगातार गोल्ड लेके आ चुके हैं, तो मुझे होता था कब मुझे उन्हें देखने का मौका मिलेगा। तो एक बार मैं सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं फर्स्ट टाइम गई 2012 में, और मैं देख रही हूँ कि जापान की वो दोनों लड़कियाँ वहाँ ट्रेनिंग कर रही हैं, और मेरे अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान ही नहीं है, मैं उनको देखे जा रही हूँ, कब मैं इन जैसी बन पाऊंगी। और इतनी डेडिकेशन लेवल, और भगवान का शुक्रिया था कि अभी 2016 में मैं उसी के साथ पोडियम पे खड़ी थी, मतलब इतना। और ये हर खिलाड़ी के साथ होता है कि जो खिलाड़ी उसका रोल मॉडल होता है, जिसको देखना चाहता है, जिससे वो सीखना चाहता है, जब उसे देखता है तो वो खुद की प्रैक्टिस करना भूल जाता है। ऐसा ही साक्षी मलिक के साथ हुआ, ऐसा ही शायद मेरे साथ भी हुआ। क्रिकेट में जब मैं पहली बार भारत को रिप्रेजेंट किया और भारत के बाहर गया, चाहे मैं साउथ अफ्रीका गया, ऑस्ट्रेलिया गया या न्यूजीलैंड गया, तब मैंने वहाँ देखा कि वो जो इंग्लैंड की टीम या ऑस्ट्रेलिया की टीम प्रैक्टिस करती है तो उसी में ज़्यादा ध्यान जाता था उनको देखने में बजाय खुद की प्रैक्टिस करने में। लेकिन ये ज़रूर रहता है कि एक ना एक दिन हम इनको ज़रूर हराएंगे, और वैसा ही साक्षी ने करके दिखाया। जब आप रियो ओलंपिक में फाइट कर रही थी, बाउट कर रही थी, उस लास्ट मोमेंट में आप पीछे चल रही थी, तो उसके टाइम आपके मन में क्या क्या चल रहा था? मैं 9 सेकंड रह गई थी और मैं फिर भी हार रही थी। बस ये था कि मुझे लास्ट तक लड़ना है, और बिल्कुल इतना ब्लैंक हो जाता है माइंड, क्योंकि 9 सेकंड है और अपोनेंट फिर भी जीत रहा है, तो 9 सेकंड में हम कैसे पॉइंट कवर करेंगे। एकदम जैसे कि 9 सेकंड के अंदर अंदर मैंने अपना अटैक किया और मेरे पॉइंट, मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो गया है सच में। देखिए, उसके पास पावर है, उसको स्टेमिने की कोई दिक्कत नहीं। ओलंपिक लेवल पे जाके जब आप 5 bouts खेलते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। फिजिकली आपको फिट होना चाहिए, मेंटली आप स्ट्रांग होने चाहिए, टेक्निकली आप साउंड होने चाहिए, और हर एक रेसलर के लिए आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और मैं साक्षी मलिक के बारे में एक बात मैं बताना चाहता हूँ, कुश्ती की और देश की इज्जत जो है इस लड़की ने बचा ली। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था सर फ्लैग, और वो फ्लैग लेके सर पूरे मैट पे फिर मैंने घूमा, और वो मेरा सपना था। शायद वो लम्हा हम लोगों को भी याद है जब हम लोग वर्ल्ड कप जीते और वो फ्लैग लेकर पूरे ग्राउंड में दौड़े, और साक्षी मलिक ने भी पहला काम वही किया कि भारत का जो झंडा है जिसके लिए शायद हम सब लोग कंपटीशन करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, उस झंडे को लिया और पूरे मैट के चक्कर लगाए। रातों रात रियो ओलंपिक के बाद साक्षी मलिक एक
आइडियल बन गई पूरे देश के लिए, तो आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया? रियो के बाद जब मैं इंडिया वापस आई तो बहुत चेंज था, और सर मुझे बोल रहे थे कि अपने मजबूत से कपड़े पहन लेना क्योंकि दुनिया पागल होने वाली है, कोई तुझे इधर पकड़ के खींचेगा, कोई इधर पकड़ के खींचेगा। और जैसे ही मैं इंडिया लैंड हुई तो उससे भी ज्यादा मुझे लोग लेने आए और लाइफ बहुत चेंज हो गई, सब लोग अभी जानते हैं और सब लोग बहुत प्यार देते हैं। हरियाणा स्टेट के सबसे बड़े अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ जुड़ी हुई, हरियाणा का रेशियो है लड़के और लड़की का उसमें बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा लड़कों को प्रेफरेंस मिलती है, लड़कियां बहुत कम मिलती है। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है, ये कितनी जिम्मेवारी का काम है आपके? मेरे जो मदर है ना वो भी इसी चीज में काम करते हैं और उसी चीज का मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना, तो मेरे लिए बहुत मतलब खुशी की बात है। हरियाणा में भी फर्क भी पड़ा है, मैं जगह जगह जाती हूँ, मैं यही चीज बताती हूँ कि लड़कियाँ कम नहीं है, आप बराबर का मौका दो, लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं। तो मैं इसके चेंज, मेरी वजह से ये चेंज हो रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात सर कुछ नहीं हो सकता। हर एक खिलाड़ी का एक सपना होता है कि वो ओलंपिक मेडल लाए, और आपका सपना तो पूरा भी हो गया, अब अल्टीमेट गोल क्या है? इच्छाएं कभी नहीं खत्म होती, इतना अच्छा लगने लग जाता है इस चीज में कि छोड़ने को भी मन नहीं करता। देखिए अगर हम बात करें इंडिया का कि फ्यूचर क्या है और ओलंपिक में फ्यूचर क्या है, तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है क्योंकि कई नए चेहरे हैं भारतीय कुश्ती टीम में, चाहे हम ग्रेको रोमन की बात करें, फ्री स्टाइल की बात करें, महिला कुश्ती करें, और दो बड़े नाम जो 2020 ओलंपिक के लिए हैं वो अभी से डिसाइड हो ही गए हैं लगभग, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट। तो मैं यही कहूँगा कि भारत कम से कम 5 से 6 मेडल जीत सकता है 2020 के अंदर। जैसे मैंने बताया वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा मेडल नहीं है, मुझे वो लेना है, और कॉमनवेल्थ में सिल्वर था उसे गोल्ड में बदलना है, और बहुत बड़ा गोल भी एक जो ओलंपिक गोल्ड का है बाकी है। अच्छी बात है कि साक्षी मलिक का सपना जो पूरा जरूर हुआ रियो में मेडल लाने का, लेकिन उनके जो और सपने हैं वो भी बाकी हैं। अगर वो इसी तरह मेहनत करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब वो अपने ब्रोंज को सिल्वर में और सिल्वर को गोल्ड में तब्दील करेंगी, और हम सब की दुआएं उनके साथ हैं। अब तक का एक ही नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन साक्षी की सफलता के बाद उसमें एक बात और जुड़ गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटे खिलाओ। हमें अपनी बेटियों को जरा सा प्रोत्साहन देने की जरूरत है। उसके बाद उनके लिए रोहतक से रियो का सफर कोई मुश्किल बात नहीं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा साक्षी को हर दम हर कदम सफलता मिलती रहे। जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम एपिक।